आज हम क्राफ्ट बनाएंगे, इसमें मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगी, एक रैबिट, एनवेलप और एक बटरफ्लाई। हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बनाते हैं क्राफ्ट। हमको एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसको ट्रायंगल के शेप में फोल्ड करना है। इसको दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही रिपीट करना है। हम एक साइड ट्रायंगल का शेप लेंगे, एक साइड का, और उसको दोनों साइड हाफ हाफ फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा बची हुई पेपर को हम काट देंगे। हम एक और फोल्ड करेंगे और पेंसिल से लीफ के शेप का थोड़ा सा मार्क बनाएंगे और उसको कट कर देंगे। अब हम इस फोल्ड को खोल लेंगे और दोनों साइड के एड्स को फोल्ड करेंगे। साइड वाला जो नुकीला साइड है जो हमने छोड़ दिया है उसको लेके हम प्रेस करके नीचे के साइड फोल्ड करके उसको ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। अब हमारी बटरफ्लाई रेडी है। हमको एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसको ट्रायंगल के शेप में फोल्ड करना है। एक और फोल्ड करेंगे और जो खुले वाले साइड है उस साइड से हम उसके कान बनाने के लिए एक छोटा सा कट लगाएंगे। कान बनाने के बाद जो पीछे के पेपर हैं उनको हाफ में डिवाइड करके नीचे के साइड फोल्ड करना है। कान के नीचे हमें दो गुगली आईज लगानी है जो ग्लू से हम स्टिक करके लगा देंगे। हमारा रैबिट रेडी है। हम एक A4 साइज पेपर लेंगे और उसको हाफ से थोड़ा कम ऊपर के साइड थोड़ा सा छोड़ते हुए हम उसको फोल्ड करेंगे। अब हमको फोल्ड में ही 1 सेंटीमीटर की लाइन लेके दोनों साइड हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है पेंसिल से और उनको फिर कट करना है। पेपर है जो बाहर के साइड निकल गया है उसको हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से और फिर ग्लू से हम उसको स्टिक कर देंगे। अब हम ऊपर के साइड से फोल्ड करेंगे और हमारा एनवेलप रेडी है। कैसा लगा हमारा क्राफ्ट? बहुत ही क्रिएटिव था ना।
तो अब हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए।